पीएम को अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीकाराम जूली का बड़ा बयान। कहा जिस दिन हम समान हो जाएंगे उस दिन खुद आरक्षण छोड़ देंगे। जूली ने कहा मैं खुद दलित वर्ग से हूँ, कहा हम सब समानता का अधिकार चाहते हैं, समानता आ जाएगी उसके बाद कोई आरक्षण क्यों चाहेगा। बड़ी बात कही है और ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आपने सुना था राहुल गांधी ने जब बयान दिया तो लगातार निशाने उन पर साधने शुरू हो गए, एससी एसटी ओबीसी नाराज हो गए। लेकिन अब टीकाराम जूली ने बयान दिया, कहा जिस दिन हम समान हो जाएंगे उस दिन खुद ही छोड़ देंगे आरक्षण को। राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए, और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं, मैं कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा, हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो चाहे एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, कोई आरक्षण नहीं चाहेगा। समानता की लड़ाई है और इस बात को ये लोग पूरे देश के अंदर एक मैसेज करना चाहते हैं। वो मैसेज इनका चलने वाला नहीं है, फेल हो गए हैं।